क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईपीएल 2019 के सातवें मैच में मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 रन से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर लिया है। हालांकि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत के बहुत करीब थी, लेकिन डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत मैच का पासा ही पलट दिया। मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर निर्धारित 20 ओवर में 181 रन ही बना सके। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मात्र 41 गेंद पर 4 चौके और 6 छक्के के साथ 70 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली। बावजूद इसके डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत दिलाने में नाकाम रहे। हालांकि एक समय ऐसा लगा कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे एबी डिविलियर्स आरसीबी को आईपीएल 2019 में पहली जीत दिला देंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे डिविलियर्स की भी एक न चली। इससे पहले रोहित शर्मा, युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या की तेज तर्रार पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 187 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। रोहित शर्मा ने 33 गेंद पर 48 रन बनाए तो वहीं युवराज सिंह ने 12 गेंद पर 23 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके अलावा आखिरी में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मात्र 12 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्के के साथ 32 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस हार पर आपकी राय क्या है? आखिर विराट ब्रिगेड से कहां चूक हुई? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।